गाजा पर इसराइल के हमले लगातार जारी हैं। इसराइल ने गाजा पर किए ताबड़तोड़ हवाई हमले। इसराइल के हमलों में 10 लोगों की मौत, 40 घायल। हमास के एक कमांडर की भी मौत हुई। इसराइल का दावा, शुक्रवार को हमास के एक सीनियर कमांडर को किया गया था गिरफ्तार, जिसके बाद बढ़ा तनाव। इसराइल ने गाजा से सटे इलाकों में लगाई इमरजेंसी, इलाके में स्कूल भी कराए गए बंद। इसराइल के हमलों के बाद हमास का पलटवार, गाजा ने इसराइल पर दागे 100 रॉकेट। इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी रॉकेट्स तबाह कर दिए। शुक्रवार रात गाजा के हमलों से इसराइल में मचा हड़कंप। रात में हवाई हमले के सायरन से लोगों में मची भगदड़। हालांकि इसराइल में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। गाजा से बढ़े तनाव के बीच इसराइल सतर्क, गाजा के आसपास की सड़कों पर की बंद किया, बॉर्डर पर अतिरिक्त फोर्स की तैनाती। हमास के हमलों के बीच इसराइल के प्रधानमंत्री यायर लापिड का ऐलान, हर कीमत पर अपने लोगों की रक्षा करेगा इसराइल। इसराइल की सेना ने जारी किया वीडियो, वीडियो में गाजा के सैन्य ठिकानों पर इसराइल कर रहा है हमला। दोनों देशों में बढ़े तनाव से युद्ध जैसे हालात, एक दूसरे पर दोनों देश दाग रहे हैं मिसाइल। चीन अमेरिका में और बढ़ी तनातनी, नैन्सी पेलोसी पर चीन ने लगाया प्रतिबंध। पेलोसी बोली, अमेरिकी अफसरों को ताइवान यात्रा से नहीं रोक सकता है चीन। चीन पर अमेरिका ने साधा निशाना, व्हाइट हाउस ने चीन के सभी प्रतिबंधों को मौलिक रूप से बताया गैर जिम्मेदाराना। ताइवान संकट पर जापान के पीएम फुमियो किशिदा का बड़ा ऐलान, अगले हफ्ते जापान कैबिनेट में होगी फेरबदल। व्हाइट हाउस प्रवक्ता कारीन जीन पेरिये ने कहा है कि हम क्षेत्र में अपने हितों और मूल्यों की रक्षा करते हुए चीन के साथ संचार की लाइनें खुली रखने का प्रयास करते रहेंगे। ताइवान पर साइबर अटैक जारी, अमेरिका की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद साइबर हमलों में इजाफा। नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद करीब 11 रेलवे स्टेशन पर हुआ साइबर अटैक। रिसर्च के मुताबिक सरकारी मंत्रालयों की वेबसाइट पर भी हो रहा है साइबर अटैक। ताइवान पर जारी चीन के युद्धाभ्यास पर चीनी विदेश मंत्रालय का बयान, कहा चीनी सेना अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में कर रही है सैन्य अभ्यास। अमेरिका को चीन का करारा जवाब, कहा चीन के आंतरिक मुद्दों में घुसना बंद करे अमेरिका। चीन ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा ताइवान के साथ रिश्ते ना बढ़ाए अमेरिका, साथ ही ताइवान को हथियार बेचना बंद करें। यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया पावर प्लांट पर रूस ने किया हमला, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इस हमले को बताया आतंकी हमला। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस पर न्यूक्लियर पावर को संभालने की क्षमता पर उठाए सवाल, कहा जो दूसरे देशों को परमाणु हमले की धमकी देते हैं वो न्यूक्लियर तकनीकों को संभालने लायक नहीं। लैंडमार्क डील के तहत यूक्रेन से अनाज से भरे 3 जहाज हुए रवाना, टर्की के रक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी दी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान, कहा रूस ऊर्जा को पूरे यूरोप के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है।